देखो अल्लाह फरमाता है मन जा अबिल हसनते फलाहु अशरम सालिहा, जिस जुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुना मुआफ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं यार। नाले सजदा दी ज़ियारत करो, नाले कुरान पढ़ो, की बनान लगा फिर चुप हो गए ने, की बनान लगा। अच्छा हो जरा रुकिया जी, रुकिया जी, अल्लाह एक खलीफा होएगा, फरमाया हाँ, मौला आदम होएगा, हाँ, ते फिर मौला आदम कहना एक खलीफा की है। अल्लाह इंसान होएगा, फरमाया हाँ, ते फिर अल्लाह इंसान कह एक खलीफा की है। अल्लाह बशर होगा, फरमाया बिल्कुल बशर, तो फिर बशर कह खलीफा की है। और फरमाया हमने आदम को खलीफा इसलिए कहा ताकि बाशऊर लोग इस बात को समझेंगे, खलीफा बाद में बनता है, मुर्शद पहले होता है। नहीं मैं समझा कर सका, मेरे समझाने में कुताही है। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, तड़प जाओगे ये जुमला सुनने के बाद। अल्लाह ने आदम को खलीफा कह के बता दिया, अगर आदम मेरा पहला खलीफा है, इसका मुर्शिद मोहम्मद पहले मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इहदा मतलब है बंदियां दा आगाज पीरी मुरीदी तो होए है। नहीं तुसी समझे नहीं मैं की फ्याना। अल्लाह ने इंसान का आगाज ही तसव्वुफ से किया। और ठहरो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने लगा हूं। आदम अल्लाह का पहला फकीर है, हां जी, आदम अल्लाह का पहला सूफी है, सूफी है। उन विच बंदे मेरा मुंह पे बिंदने, आदम अल्लाह का पहला सूफी है। एक मिनट रुक जी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल जबीउल्लाह, हजरत मूसा जिंदे रहो कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, ते हजरत आदम शफी, शफी स्वाद फा या शफी सूफी। भाई यही माता है ना, स्वाद और फा सूफी। एदा मतलब है आदम अल्लाह का पहला फकीर है, आदम अल्लाह का पहला सूफी है। अच्छा एक मिनट ठहरे जी, सिर्फ आदम ही फकीर नहीं, ठहरो, सूरह फातर मेरे सामने आई जी। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नासु, ए लोगों सुनो, अम तुमुल फुकराउ इलल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये भी मेरा फकीर है, ये भी मेरा फकीर है, ये भी मेरा फकीर है, वो भी मेरा फकीर, वो भी मौला क्यों? और फरमाया तुहाडा अब्बा मेरा फकीर है ना। हाय हाय बोलो तो सही, जिसे समझ आ रही है। देखे मुझे नहीं था पता यहाँ पे मिलाद की महफिल है, मैं तो ये चेहरे सादे सादे देख के ना बातें कुछ ऐसी कर रहा हूँ। इसका मतलब है अल्लाह ने बंदों को फकीर बनाया। और यार जेड़ा रब का फकीर है वो तो सुभान अल्लाह कहो यार। अब पता नहीं आपके सामने कौन सा फकीर आ रहा है, खुदा जाने तुहानू केड़ा फकीर पे याद आंदा है। मैं तो उस फकीर की बात कर रहा हूं जिसे सूफिया ने लिखा है। नबी फरमाते हैं अल फकरो फखरी वल फकरो मिन्नी, फकीरी मोहम्मद का ताज है और फकीरी मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, ये मलफूजात में आपको रवायत मिलेगी, ये मकतूबात में ऐसी बातें मिलेंगी, ये सूफिया के दर्स में ऐसी बातें मिलेंगी। नबी फरमाते हैं फकीरी मुझसे है। और भाई ठहरो, कशफुल मजूब जाके पढ़ो दाता साहब की किताब। दाता साहब ने अलामात लिखते हुए फरमाया, अगर स्याह देखनी है ईसा को देखो, लिबास देखना है मूसा को देखो, रजा देखनी है इस्माइल को देखो, और खलील देखना है तो इब्राहिम को देखो, फकीर देखना है तो मोहम्मद को देखो। जी ये कशफुल मजूब में है, इसे जाके पढ़ना। अगर तेरा दिल करे मैं फकीर देखू, जहरा के बाबा को देखो, जेड़ा नौकर है सईदा ना, सुभान अल्लाह कहो यार। अजय भी बंदे चुपने, जिस दिल में सईदा की मोहब्बत फिर कहो सुभान अल्लाह। इदा मतलब है अगर फकीरी देखनी है तो हुसैन के नाना को देखो। होन होन जरा और सुने जी, नबी फरमाते हैं फकीर मुझसे है, अय फकीरी मुझसे है। ये हुजूर फरमा रहे हैं फकीरी मुझसे है। ए हुन मैं जुमला कहन लगा ते तुसी तड़प जाओगे जुमला सुनन तो बाद। अगर फकीरी मुस्तफा से है तो मुस्तफा भी बका है, फकीर भी बका है। ना मुस्तफा फना हो सकते हैं, ना फकीर फना हो सकता है। ये जेड़े फकीर के मनन वाले बैठे मर सुभान अल्लाह कह लो जल्दी लड़िया। चलो बस बेफिक्र रहो, आधा खिताब हो गया, बस आधा रह गया है, बस आधी तकरीर हो गई है जी, बस आधी रह गई। मैं आपकी समातों को, आपकी हिम्मत को ज्यादा ज्यादा जहमत नहीं मैं दूंगा। बस आपने बड़े अच्छे अंदाज में सुन लिया, जितने सुन लिया। इसका मतलब है आदम अल्लाह का पहला फकीर है। लो जी हुन मैं लगा इस नबी का, इस फकीर का मिलाद लगावा पढ़न। भाई आदम नबी का मिलाद कुरान में है। लो जी सूरह, बस भाई ये आयतें सुने और मैं इजाजत ले रहा हूँ। 38 नंबर सूरह है, 38
और आयात का नंबर आ रहा है 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82 तक मैंने आयते पढ़नी है अगर सुभान अल्लाह कह लो थे। लो जी हम ध्यान करे जी, हम जरा ध्यान करे जी। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह फरमाया मलाइका जे तुसी कब होते मिट्टी दा बशर बना लो। कादा बशर मैं तुहाडे सादे चेहरे वेना ना ते फौरन तर्जमा पंजाबी च आउंदा है कादा बशर। अच्छा मेरा वेख्या जी ये जेड़ा अल्लाह ने पहला बेटा खामोश खामोश चुप रहना चुप। अल्लाह ने जो नहीं रुक जाए आप बैठे मैं हो जाएगा बेफिक्र। अल्लाह ने जेड़ा पहला बशर बनाया आदम मिट्टी दा ये तुहाडे की लगदे ने अब्बा अब्बा ठीक है साडा अब्बा मिट्टी दा बनया। अबे अब्बा आदम मिट्टी दा जे ओ जेड़े आदम दे पुत्र ने ओ ते सुभान अल्लाह कहो यार। भाई हजरत आदम कादे बने लोहन लगा मिलाद ते एक होर जुमला कहन आदम बने मिट्टी दे। अब रुकना जरा रुकना मौला आदम मिट्टी से बने तू हमें किस चीज से बनाया। अल्लाह सूरह दहर में फरमाता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। अल्लाह फरमाता है असा तीनू पानी दे मिले जुले कतरे नल बनाया एदा मतलब है असी बने हां पानी दे अब्बा बने हां मिट्टी दा असी पानी अब्बा मिट्टी एदा मतलब है कुरान दसदा है पिया असी ते अपने अब्बे वर्गे नहीं असी ते अपने अब्बे वर्गे नहीं और जो असी अपने अब्बे वर्गे नहीं ज़ाहरा दे अब्बे वर्गे किवें होंदे हाथ जोड़ा पखियां दा हाथ जोड़ा पखियां दा ए नाले साडा पीर लगदा है नाले चानन अखियां दा जिदा पीर है वो तो सुभान अल्लाह कहो कोई सावे मन माया निछड़े मिन पेंदे चल पाक बदन माया आसमानी ताराई साडे जे दुखियां दा गंज शकर सहाराई। जेड़ा मुरीद है फरीद का सुभान अल्लाह कहो यारा आसमानी चंद माया काबे वांगू दिस लाए सानू पाक पतन माया सिर्फ चिश्ती सुभान अल्लाह कहो जिसके दिल में फरीद है काट के कहो सुभान अल्लाह। कैसे हो सकता है पीर का नाम आए मुरीद चुप करके बैठा रहे।